Hey guys, good morning and welcome back to my channel. And मैं हूँ शायनी, आपको तो पता ही होगा. तो आज है 9th December and आज है मेरा बर्थडे. रहा नहीं जाता. तो मैंने अभी तक ब्रश या ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया, अभी अभी उठी हूँ. इसने मुझे उठा दिया आके. और मेरी एक फ्रेंड है शायना, उसने भी कॉल किया था. तो ठीक है, कोई नहीं, उठ गई हूँ अब तो. एंड यहाँ पर उसने मेरे लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं. उसने मेरे लिए, मतलब ये जो आदि है मेरे पास ही सोया हुआ है, तो उसने मेरे लिए गिफ्ट्स लाए हैं, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी. तो अभी चलती हूँ और जाके ब्रश और ब्रेकफास्ट करती हूँ. मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ. सो टाटा. ओके, सो मैं आ चुकी हूँ एंड कोई आ रहा है मेरे घर पे. तो अभी फ्रेश होके आ गई हूँ, मतलब ब्रश करके आ गई हूँ. और तो यहाँ पर मैंने अभी तक तो अभी मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है एंड मार खा भी. तो अभी मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है, अभी मैंने जो कल पहना था वही पहन के हूँ. मैंने जस्ट स्वेटर पहन लिया है, हुडी. तो अभी मेरी मम्मी ने मुझे मिठाई ला के दिया है, मिष्टी. तो यहाँ पर 5 मिठाई है. तो ये ऐसा कहते हैं कि बर्थडे के दिन में सुबह सुबह उठ के मिठाई खानी पड़ती है, डिफरेंट 5 डिफरेंट टाइप्स के. तो मम्मी ने इसलिए यहाँ पर लाई है. तो यह चलिए खाते हैं. सो गाइस, यहाँ चल रहा है मेरी पार्टी की डेकोरेशन. मेरे फैमिली के सारे लोग मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं डेकोरेशन में. तो यह देख के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और मैं एक यहाँ मर जाने की तरफ बैठी हुई हूँ. तो अब मैं क्या करूँ, बर्थडे गर्ल हूँ तो प्लीज़ी लेज़ी तो हो जाऊँगी बर्थडे के दिन. तो या इट्स माई स्पेशल डे. तो यहाँ मेरी मम्मी चाय बना के लाई है. सो अभी चलिए चाय इन्जॉय करते हैं. तो गाइस, अभी आपने देखा कि मेरे घर के बाहर, तो वहाँ पर सब लोग मिलके डेकोर कर रहे थे. मतलब फैमिली के सारे लग गए थे मेरे बर्थडे घर सजाने में लग गए थे. तो सारे मिलके घर सजा रहे थे और मैं अकेली बैठ कर, मतलब महारानी की तरह बैठ कर रही थी. तो अभी मैं मेकअप कर रही हूँ, तो मेकअप हो जाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो तब तक के लिए देखते रहिए और मैं अभी आती हूँ. तो गाइस, मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, जिसमें देख सकते हैं. तो कैसा लगा प्लीज़ बताइए. और बाहर सब लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं एकदम मिलूँगी आपसे, मतलब केक कटिंग के टाइम पे मिलूंगी. तो अभी वहाँ पर सारे गेस्ट आ गए हैं, तो वहाँ पर जाती हूँ. मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा ख़राब है. सो ठीक है, चलो चलते हैं. तो केक कटिंग के टाइम पे मिलते हैं. सो রান্না করবি? তোকে মামা রান্না শেখায়, কিচ্ছু করার নেই. দেখ
তাও তো পেয়েছো মোমবাতি জ্বালে আমি ভাবো দুটো রান্নি দিয়ে দিলাম পাঁচ মিনিট একশো মিটার सब लोग बाकी जो सारे लोग थे वो अभी लंच कर रहे हैं। पेट बहुत ज़्यादा भर गया है एंड अब यार क्या करूँगी। एंड ये मैंने नए लिए है, मेरी मम्मी ने मुझे ये ग्लास दिया है एंड दिस इज द स्वेटर, तो ये मेरी मम्मी ने दिया है। इसके बाद ये बहुत पहले दिया था एंड जो मैंने ड्रेस पहना था तो उसने तो अपने देख ही लिया है, तो वो भी पहले ख़रीदा हुआ था तो उसे मैंने बर्थडे में पहन लिया क्योंकि पहले मैंने नहीं पहना, पहले मैंने नहीं पहना क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हो किए थे। सो या यही, तो फिर थोड़ी देर रेस्ट लूँगी फिर मैं आपसे मिलूंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, मैं फिर से आपसे मिलूंगी कुछ ही देर बाद। तो सो ये मेरे बहन और भाई है, तो हाय को देते सब हाय। तुम मिलता है तो प्रॉब्लम होती है। सो मेरी गाजा ओके। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और बीच में मुझे कुछ करने का मतलब शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि घर आकर ही सब कुछ दिखा दूँ और बात कर लूँ, एंड कर दूँ ब्लॉग को। तो पीछे मेरी मम्मी है और यहाँ तो मेरे घर पे 20 बिल्लियाँ हैं, हाँ 20 बिल्लियाँ, तो यही। एंड मुझे जो गिफ्ट्स मिले हैं वो उनमें से एक ये है, ये स्वेटर, ये पिंक कलर का है एंड मुझे पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मुझे दिया है आदि ने, मैं हो सके तो यह पिक्चर दे दूँगी यही कहीं, तो ये मुझे दिया है आदि ने और इसके साथ एक सेलिब्रेशन भी मिला था मुझे जो मैंने खा लिया। मैं इतनी बड़ी भूखर हूँ, मुझे चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने ही सारे खाए हैं, मम्मी को सिर्फ एक ही दिया था और कुछ नहीं, मैंने ही सारे खाए हैं। तो बाकी गिफ्ट्स चलो मैं दिखा देती हूँ। वो बाकी के गिफ्ट्स मुझे यहाँ पर देखना है पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सो आई एम सॉरी। तो बाकी के गिफ्ट्स में से एक है ये मेरी बहन ने दिए हैं। वेट, सो फर्स्ट मेरा गिफ्ट है ये कप है। सो ये कुछ ऐसा कप है जो मेरी बहन ने मुझे दिया है और इसमें अगर मैं पानी डालूँ तो ये मतलब इसके नीचे से लाइट जलती है, तो यार बहुत ही ज़्यादा क्यूट गिफ्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। ये एक लौटी बहन है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू बोलूँ। तो ये है मेरा, तो ये है मेरा फर्स्ट गिफ्ट। और बारिया दिया है कि मेरी मामू ने क्या दिया है, तो मेरी मामू ने तो अभी देख ही चुका होगा मेरी मम्मी क्या दिया, तो फिर मैं दिखा देती हूँ। मीन सीरियसली ये क्यों तो क्या बताऊँ, ठीक है यहाँ से थैंक यू मम। तो ये गिफ्ट है और हाँ मेरी मासी ने मुझे 500 रुपये भी दिए थे, तो मुझे मेरी बहन की तरफ से था,
और उनकी मम्मी मतलब मेरी मासी ने मुझे 500 रुपीज दिए। तो ये क्या सेकेंड है, थर्ड गिफ्ट तो इसमें है, कहाँ से निकल गई, तो ये मेरे भाइयों ने मुझे दिया है। इसमें है ये छोटे छोटे ग्लास के बोल जो बड़ी क्यूट है, सुंदर है, यूज़ हो सकता है बहुत सभी में। तो ये भी बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच भाई, मतलब दोनों भाइयों को ही बोल रही हूँ। सो या और मुझे क्या मिला है, मुझे जो मैंने ग्लासेस पहने, जो स्पेक्स मैंने पहने थे, तो वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। उसके साथ जो वाइट स्वेटर और शर्ट जो भी कह लो, मतलब बहुत ही लाइट था वो, मेरी मम्मी ने मुझे दिया है बर्थडे से पहले। और कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी मैंने खरीदे थे, एंड जो ड्रेस भी मैंने पहना था तो रेड कलर का, वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, बहुत पहले वो खरीदा हुआ था। पूजा में इतने सारे ड्रेसेस मैंने खरीद लिए थे तो वो पहनने का मौका ही नहीं मिला था, तो मम्मी ने कहा कि बर्थडे में ही पहन लो, तो मैंने बर्थडे में ही पहन लिया। तो इनको मैं आदि के साथ बाहर निकली थी, यानी उसके घर पे खाना डिलीवर करना था, तो मैंने सोचा कि चलो उसके मम्मी और उसकी फैमिली से थोड़ा मिल गया भी जाएगा और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तो मैं उसके साथ निकली थी, थोड़ा घूमना घूमना हुआ, उसकी फैमिली के साथ मिली, एंड उसके पास सेवन डॉग्स है, आई मीन ब्रिगेल है, पर्क है और एक गोल्डन है। तो या सो क्यूट, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट है वो लोग। तो या मतलब उसकी फैमिली भी काइंड ऑफ मेरी फैमिली की तरह ही है, आई मीन आई लव हिज फैमिली। तो ओवरऑल कल इवनिंग भी बहुत अच्छे से गुजरा, और कल मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी कि मुझे शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं शूट करूँ आकर घर पे, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी और तब खा के थोड़ी देर में सो गई थी। मम्मी ने आके बुलाया जी उठो, मुझे इस तरह ठीक करना है, तो मैं उठ गई। उठने के बाद मैंने सोचा कि मैं तो वीडियो एडिट करना ही भूल गई, मुझे एंड तो करना ही होगा। तो यही था, यही मेरा बर्थडे गया। तो ज़्यादा कोई नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स नहीं आए, छोटी सी पार्टी हुई। जो अपने बीच में मेरे भाई बहन आए, मेरी मौसी, मामा, दीदा, तो ये सब आए, तो अच्छा ही गया। मतलब छोटी सी थी बट बहुत ज़्यादा क्यूट थी, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा गुजरा। तो ओवरऑल यही था मेरा बर्थडे ब्लॉग। आई विश कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे दूसरी वीडियो से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। माँ ये देख रहे हो, बस आप चैनल के सब्सक्राइब करते बोलो, अलग मेरे चैनल के सब्सक्राइब करते बोलो, सब्सक्राइब करते बोला, बाय बाय।